हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर सेक्स करने का सही टाइमिंग क्या है, मतलब कि कितनी देर सेक्स करना सही माना गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और घंटे वाले निशान को भी दबा दें, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो पहुंच सके आपके पास सबसे पहले। दोस्तों, जब भी सेक्स की बात होती है तो ये सवाल जरूर उठता है कि क्या सेक्स का कोई औसत समय होता है या कितनी देर सेक्स करना अच्छा होता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ज्यादातर पुरुष अपने सेक्स टाइम के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। अमेरिका में हुए एक रिसर्च के बाद सेक्स के टाइमिंग से जुड़े कुछ बातें सामने आई हैं। इस स्टडी के नतीजों के अनुसार अगर सेक्स एक या दो मिनट में ही खत्म हो जाता है तो इसे काफी कम माना जाएगा। इसके अलावा 3 से 7 मिनट का सेक्स पर्याप्त यानी कि संतोषजनक होता है और 7 से 13 मिनट तक का सेक्स सबसे अच्छा माना गया है। वहीं अगर कोई कपल आधे घंटे तक सेक्स करे तो यह जरूरत से ज्यादा लंबा समय है। एक एक्सपर्ट के अनुसार सेक्स के दौरान पुरुष अपने पार्टनर से कई ख्याली उम्मीदें रखते हैं। ऐसी उम्मीदें टीवी फिल्में या पॉर्न फिल्मों की वजह से मन में आती हैं, जबकि पॉर्न फिल्मों को जानबूझकर ज्यादा उत्तेजक बनाया जाता है। इसे देखकर आपके मन में किसी तरह की उम्मीद नहीं जगनी चाहिए। वास्तविकता और पॉर्न फिल्म की कोई तुलना नहीं हो सकती। रिसर्च बताते हैं कि सेक्स में एक दूसरे का संतुष्ट हो जाना ही काफी है, न कि इसे बहुत ज्यादा देर तक करना। सेक्स करने वक्त अगर आप समय के बारे में सोचेंगे तो उसे एंजॉय नहीं कर पाएंगे। कई बार दोनों पार्टनर्स की अलग अलग इच्छाओं के कारण सेक्स में दिक्कत आती है। कभी कभी महिलाएं सेक्स को जल्दी खत्म करना चाहती हैं, जबकि पुरुष उसे लंबा खींचना चाहते हैं। वहीं कई बार पुरुष सेक्स को जल्दी खत्म कर देना चाहते हैं। अगर समय को लेकर आपका पार्टनर बार बार शिकायत करे तो जरूरी है कि आप दोनों मिलकर इस बारे में बात करें। दोस्तों, सेक्स को अगर पूरी तरह एंजॉय करना चाहते हैं तो इसके बारे में अपने पार्टनर के साथ खुलकर बात करें, तभी आपके साथ साथ आपके पार्टनर भी पूरी तरह से संतुष्ट हो पाएंगे।